पे आते दिखाते, जहाँ कोई खाली जगह पड़ी होती ना वहाँ दिखाते हैं, जाके देखिए मैदान खाली हो गया जी, किसान चले गए। मैं सीतापुर से हूँ, अब ये मंडियां भी खत्म कर रहे हैं और बिल्कुल प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट तो ऐसे पकड़ के धान ऐसे उठाया, दो बार बोला जी इसमें तो नमी है, बेचना बेचो नहीं तो जाओ। जिस शख्स ने अपने जीवन साथी का साथ छोड़ दिया, उसको बीच में धोखा दे दिया, तो ये देश के साथ अब क्या धोखा और क्या धोखा देगा इससे बढ़कर भी। जिसने अपने घरवाली को छोड़ दिया बीच में और अब ये पूरे देश को कर रहा है इधर से उधर, तो बताइए इसमें क्या भरोसा किया जाए। अब जब किसान ने जब बबूल का पेड़ लगाया तो किसान का भी हक है, तो हम उसको उखाड़ फेंकने का है। 18-5 9,000 रुपए की हमको कितना दिया इसने, 6,000, फिर भी ये 3,000 रुपए में फायदे में पहुँचाइए। कहाँ गया हमको पैसा देने वाला, हमसे उनका और ले लिया इसने। ये मोदी जी पर ये निरंतर आरोप बुद्धिजीवियों के द्वारा ये निरंतर और निरंतर ये आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाया हुआ है। वो जब वहाँ जाते हैं तो अपने बछड़ों को बछड़े कूद कूद कर उनके पास आते हैं, फिर उन्हें वो खाना खिलाते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। योगी जी मोदी जी को मालूम नहीं है बात, योगी जी नहीं कह सकते मोदी जी से। हर देश का राष्ट्रवाद है मानवतावाद, क्या ये मानवतावादी नहीं है? अभी दूसरे देश में अन्याय होने लगे तो ये इनको आवाज नहीं उठानी चाहिए। जवानों को आंदोलन का समर्थन है, बेरोजगारों के लिए आंदोलन का समर्थन है, गरीबों के लिए आंदोलन का समर्थन है, क्योंकि आज देश के अंदर सबका शोषण हो रहा है, ये साफ बात है। किसान आंदोलन को आज 82 दिन हो चुके हैं और हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसान हैं जो बातों बातों में गोदी मीडिया के बारे में बात करने लगे। गोदी मीडिया को लेके इनका जो गुस्सा है खास करके, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरिंदर सिंह है। हरिंदर सिंह जी, यूपी क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी ये है जी कि जो हम किसान परेशान है वो नहीं दिखाते। जो किसान परेशान परेशान क्यों है भाई, हम तो ब्याज लेते, मतलब जो सरकार से खाद पानी लिया उसमें ब्याज देना पड़ता है, एक दिन का दिन टूटू, और हमें पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ। पिछले साल का भी 14 महीने हो गए पेमेंट नहीं हुआ, और उसमें ब्याज नहीं, कुछ नहीं। वो का रेट 6 साल से करने का रेट नहीं बढ़ा यूपी में, 6 साल से, ऐसा क्यों? एक मिनट, इनकी बात का मतलब मैं आप लोगों को समझा दूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सरकार से खाद लेते हैं, बीज लेते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं, उस पर ब्याज लगने लगता है पहले महीने से ही, ठीक है। इनके गन्ने की जो पेमेंट लेट हो जाती है, 13 महीने बाद 14 महीने बाद आती है, उस पर इनको ब्याज नहीं मिलता है ना। हाँ, यही बात है ना। हाँ, सही बात। लेकिन आप लोगों को मीडिया तो कह रहा है कि भाई आप लोगों को भड़काया गया है, आप लोग किसान नहीं है खालिस्तानी है, खालिस्तानी समझे। हम आधार कार्ड देख लो, हम तो हक्के हैं, यूपी के रहने वाले हैं, हापुड़ के जिला है। आधार कार्ड नकली बनवा लिया होगा? नकली कहते हो, चेक करवा लो। चेक करवा लो, ये तो आधार कार्ड तो मोदी ने जी ने चलवाया, ये हो सका इनका भी नकली हो? ये धारा हमारा आधार कार्ड, ये सब चीज ये नकली ले रहे हैं। ये रहे आधार, अक्षय कुमार से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं इस समय, भी नहीं है। वो मोदी भक्त है, मोदी भक्त है, वो देश भक्त नहीं है, मोदी भक्त है। सोनू सूद से बढ़िया नहीं है कोई, सोनू सूद ने, सोनू सूद से, सोनू सूद कौन है? सोनू सूद जो गरीबों को दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, एक्टर है, नाटकों में भी आता, वो पिक्चरों में भी आता। उसने लॉकडाउन में जितना किसानों ने काम करा इतना ही उसने काम करा, उसने ही मजदूरों की मदद करी, काफी मदद करी, पर किसानों की मदद में सामने नहीं आ रहे हैं। सोनू सूद ना रहे, वो अब बैठ गया, अब ऐसा है ना, थोड़ा डर गया, थोड़ा सरकार वाली बात, डरता सरकार, डरने वाली बात हो सरकार। लोग आप लोगों का समर्थन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि लोग डर रहे हैं, डर रहे हैं। किस बात डर रहे हैं? लोग पुलिस का है, पुलिस का डर है। अभी हमें पीछे रोका गया कई बार, जो नया बंदा आता, हम तो काफी दिन से किसान यूनियन में जुड़े हुए हैं, कम से कम हम हो गए, ये तो काफी बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे हो गए कम से कम 7-8 साल किसान यूनियन में जुड़े। नया बंदा आता, हम लाए आपको गैल, हमने ऐसा देखा गैल लागे और पुलिस देखते ही कूद कूद कर भागने लगे, नुका पिटाई होगी, पिटाई। आप क्या खाने पीने के चक्कर में इस आंदोलन में आए? नहीं नहीं नहीं, हम मीडिया यही बता रही है कि आप लोग कैसे करा, मीडिया यही बता रही है कि किसान का भूखा मर सकता है कभी? नहीं बिल्कुल नहीं, कैसे भूखा मर गए थे आप खिलाता है पैदा करके, ये है हमारे खा रहे हैं आप लोग। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जितने बंदे हैं यहाँ के पता लगता कौन भाई हमारा कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ के लोग हैं, कहाँ का साथ है, ये आप सोचो। सुनो, हम खाने पीने के लिए आए, लेकिन खाना पीना है किसका, कौन ला रहा है? अरे कौन ला रहा है? ना मीडिया ला रही, ना सरकार ला रही, कोई नहीं ला रहा हमारा। अब ये कहा जा रहा है आप लोग हलवा खा रहे हैं यहाँ पे? हलवा अपना ला रहे हैं जी, अपना ला रहे हैं हलवा, हम खाएंगे, मोदी खाएगा खलवा,
एलवा क्या होता है? कौन सा नेशनल है ना, केड़ा है? नेशनल दस्तक कौन सा? तुम मोदी दा गोदी तो नहीं है? देखिए देखिए, हाँ हाँ, खाना हमारा, हम काम है कि ना, यही तो चीज है। नहीं, अगर बात आपको, अगर सरकार ने भेजा हो या हमारे हमारे एक एक करके हमारी जब ट्रॉली आती है, जब हमारे ट्रॉली आती है, सामान वितरित करती है, जब क्यों नहीं दिखाते आप ये चीज? खाना हमारा है, हम खाएंगे नहीं। जब हम ये चीज लाते हैं, तुम भी खाओ, राशन लाते हैं, ट्रोली आ रही है, पूरी सब्जी और चावल दाल तक तो ठीक था, लेकिन आप लोग हलवा खा रहे हैं। क्यों नहीं खा? हलवा हमारा है, हम हलवा पैदा करते हैं, दूध हम पैदा करते हैं, गाजर कौन बन रहा है? गाँव से बन का हलवा आया। हलवा का गाजर कहाँ से आता है आप लोग? खेत में से, अपने खेत में से। पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा? पाकिस्तान बो रहा है इतनी गाजर, इतनी हम बो देते हैं। पाकिस्तान को अगर हटा हो हमारे खेत में, चीने पैदा करें हम, जो हलवा क्या कुत्ते खाएंगे? हम खाएंगे, और कौन खाएगा हलवा जो है? लेकिन गाजर रोटी खा गया मोदी, कौन मोदी और कौन? एक मिनट, गरीबी, गरीबों की रोटी खा गए हैं तो ये तो खिला रहे हैं, यहाँ तो गरीब आके रोटी खा रहे हैं, पेट भर रहा है, इससे अच्छा काम मिलेगा आपको? आप लोग बताइए, कहा जाता है किसान सूखी रोटी खाता है, आप लोग यहाँ के पिज्जा खा रहे हैं? जब हम चीज हर चीज पैदा करते पीछे का धन्यवाद है, पीछे का सोचिए कि किसान जो है सूखी रोटी खा के मरे। एक मिनट, थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा सा जगह बनाइए। अंजुमन जी ने एक सवाल रखा था पीछे, अभी सब महीना भर पहले, क्या वही किसान है जो फटे हुए नायकर में या धोती में आएगा? हाँ। पैंट शर्ट वाला किसान नहीं हो सकता क्या? पर एक एक किसान ऐसा है, मीडिया तो यही कहती है भाई कि ये जो लोग इतना कपड़ा धकड़ा पहन के आ रहे हैं, सज धज के आ रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, ये लोग किसान कैसे हो सकते हैं? मैं यही तो बात पूछ रहा हूँ, क्या किसान, क्या किसान वही किसान नहीं हो? आप किसान नहीं हो? आप किसान नहीं हो? आप जो, आप तो किसान नहीं हो? आप किसान नहीं हो? जवाब दो। मैं परजीवी हूँ। हैं? परजीवी। तो ये इंसान नहीं है? कैसे किसान जानवर होता है, इंसान होता है, आप बताइए? इंसान होता है। हैं? तो फिर ये आपको जानवर दिख रहे? लेकिन आप लोग ये हलवा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, हलवा तो सुनो, गाजर किसके खेत में? गाजर कहाँ पे पैदा हो? आप देखिए इतना अच्छा कपड़ा पहन के आए, किसान इतना अच्छा कपड़ा पहनता है? मतलब किसान को कपड़ा पहनने का भी हक नहीं है, किसान को खाना खाने का हक नहीं है, किसान को चलने का हक नहीं है? मतलब ये आजादी किसान के लिए नहीं है कि जो 1947 से पहले जो देश की लड़ाई लड़ने के लिए किसान लड़ाई नहीं लड़ी, उनका भी अपना अधिकार है, उन्हें अच्छा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ करने का उनका भी अधिकार है। ये नहीं है कि आप गलत करने वाले हिसाब से बोल रहे हो, लग रहा है आपको बहुत अच्छे से भड़काया गया। नहीं, ये उन लोगों की सोच है। तो क्या चाय वाला सूट पहन सकता? तो क्या 5 एकड़ वाला जमीन का अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता? फकीर आदमी, उन्होंने 30-35 साल से देश की सेवा की है, तो 10 लाख का सूट पहन लिया कौन सी? सुनो, उन्होंने तो 35 साल से, सुनो एक में, उन्होंने तो 35 साल से सेवा किया, उन्होंने 35 साल से सेवा किया, और हमारा तो जीवन बीत गया, और हमारे बुजुर्गों बातें नहीं आती हैं। एक बात बताते हैं, ज्यादा बातें नहीं हमें आती हैं, हमारी किसानों की हैसियत मत पूछो, एक चाय वाले पे हमारे 15-15 लाख आते हैं, ठीक है ना? हाँ, गाजर हलवा खाने की बात। 100 मीटर के प्लॉट में फैक्ट्री चलाने वाला तो हवाई जहाज में चलता है, और हम 100 बीघा खेत वाले किसान जो है ये जैकेट ना पहन सके? क्या बात कह रहा है जो है, जैकेट ना पहन सके? ये देखिए, एक बात बताइए, आप नेता वाला कपड़ा पहन रहे हैं? नेता वाला, अरे तो क्यों ना पहन सके ये तो भैया, क्यों ना पहन सके बता दो? मीडिया कहती है किसान वही होता है जो गरीब होता है, जो नमक रोटी खाता है। मीडिया कहती है किसान वही होता है जो गरीब होता है, जो नमक रोटी खाता है, जिसके कपड़े फटे होते हैं। आपके कपड़े एकदम सही हैं, आप किसान नहीं है। दिल्ली में आए ये मीडिया कहती है। ये मीडिया तो ऐसा है, ये मीडिया वाले जो ये कहते हैं ना, उनसे पूछो, वो आके यहाँ 15,000 की नौकरी करते थे, आज चैनल कैसे खोल लिए? सवाल तो उन पे पूछने चाहिए कि तुम पे पैसा कहाँ से आया जो तुम चैनल खोले बैठे हो आज जो है। कपड़े हम लोग पाटे लगे अब तो करते हो, तो तुम यहाँ तो बुझाई देते, तुमने कहते कपड़े नहीं मारते, तुम कपड़े चाहे यहाँ के जितने कपड़े हम ले उतने ना ले उते। कल तुम बताओ, हम कपड़े बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, तार के आएंगे। सब्जी बनाते हो आप? सब्जी बनाते हो? प्याज प्याज कहाँ से आता है? प्याज हमारे से पैदा होता है। हमारा प्याज हमारे तो होता है, और कहाँ तो होता है? हमारे लगे 2 बीघा जाकर प्याज बेचा हो। हमने तो सुना पाकिस्तान से आ रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं? और पैसा ले रहे हो? एक कमीशन एजेंट, बस प्रधानमंत्री जी आप लोगों को पैसा भी दे रहे हैं 6,000। आप किसके बेटे हैं? हेलो, आप किसके बेटे हैं? किसान का बेटा। किसान के बेटे हैं, तो आपने ये इसको पहन रखा है?
किसान क्यों यहाँ उतर के आया है? आज डीजल का रेट 75 है, 75 है डीजल का रेट, नहीं किसान क्या करेगा 2000 में क्या डीजल खरीदेगा? 6000 रुपए आपको दे रहा है ना? एक साल में 6000 में कितना डीजल आएगा? 6000 में कितना का पेमेंट टाइम पर दिलवा दो और उसका ब्याज दिलवा दो। 6000 रुपए अपने सिर। हेलो भाई, हेलो भाई, हेलो भाई। हाँ, किसान अन्नदाता किसान, देश का भला चाहता है, जन जन को जीवित रखता है। क्या सरिया वाले सरिया खाते हैं? वो सरिया वाले जब बढ़िया पहन सकते हैं तो किसान क्यों नहीं पहन सकता? हमने हम जब पहन नहीं पाते हैं, बच्चे हमारे नंगे रहते हैं, इसलिए उतर के यहाँ प्रभु जी के पास आए हैं कि मेरी हक तो मेरा है, पहला हक मेरा है, दूसरा हक जवानों का है, वो मेरे बेटे हैं, वो मेरे बेटे हैं। तो अब जब उनको नहीं भी नहीं देते हैं, हमको भी नहीं देते हैं, लूट के स्वयं खाते हो और हम हमसे पूछते हो कपड़े तुम्हें क्यों बच गए हो? हम तो लोग मर जाएंगे। 200 किसान मर गया है, बताइए इसको उसको क्या मिलेगा? सरकार क्या देगी उनको बेनिफिट? तो सरकार तो कह रही कि आप लोग वापस चले जाओ। वापस जाएं? क्यों वापस जाएं? चले नहीं, सरकार चले तो सरकार नहीं, सरकार मेरी गुलाम है, मैं सरकार का गुलाम हूँ, सरकार मेरा चपरासी, मैं सरकार चपरासी हूँ। बताइए आप, बताइए सरकार तो हमने बनाई है, सरकार तो हमने बनाई है, वो मेरा नौकर है। लग तो नहीं रहा सरकार आपकी चपरासी है अभी तक। क्यों नहीं चपरासी है? तो लग क्या होता है? हनन किए बैठे हैं, हमारी पढ़ाई भी सच, अरे बड़े बड़े सरकार के लिए आप लोग पढ़े लिखे नहीं, आप लोगों को भड़का दिया गया है। आप लोग इन वामपंथियों के कांग्रेस की बातों में आ गए। हेलो, बीए ग्रेजुएशन में हूँ, 10 साल शिक्षण कार्य किया है हमने, प्राइवेट बच्चों को पढ़ाया है, यहाँ पढ़ाने के लिए भी आए हैं, यहाँ पढ़ाने के लिए भी आए हैं अपने। और कोई नेता दिखा है यहाँ पर किसी भी पार्टी का? एक सीमेंट बना लेगा, सीमेंट खाएगा सभी किसान, वो भी गेहूँ खाएगा, आटा ही खाएगा, आटा पैदा को सीमेंट वाला नहीं करेगा, किसान करेगा। अभी एक शर्मा बताओ, एक शर्मा सीमेंट के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने हमारा कहीं का कुछ नहीं है, किसान तो बहुत कुछ नहीं। जो आप लोग सारी समस्याएं बता रहे हैं कि MSP टाइम से नहीं मिलता, बाकी चीजों के रेट बढ़ गए, अनाज के नहीं बढ़े, लेकिन मेरी बात सुनिए, गन्ने के साथ आप लोगों की समस्या है, खरीद पे पैसे पेमेंट लेट मिलता है, लेकिन ये सब सारी समस्या बिल आने के पहले भी थी। तो अब ये समस्या ही दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी आप लोगों के लिए बिल लेकर आए हैं, अब आप लोग बिल नहीं चाहिए? हम चाह रहे हैं कि भाई आप बिल जबरदस्ती क्यों ला रहे हो, हमें नहीं चाहिए ना भाई बिल। आपने नोटबंदी करा कि बोले हमें ये मिलेगा, पब्लिक को ये मिलेगी, उसका कुछ नहीं मिला, वापस नहीं गया, कहाँ आया भाई? 99.5% पैसे वापस आ गए, तो फिर काला धन कहाँ गया? आपने GST लाया, बोले जी फुल देश बहुत जबरदस्त तरक्की करेगा, GST का क्या निर्णय निकला? लॉकडाउन लगा के सबको बचा तो दिया बीमारी से। तो भाई एक सेकंड, लॉकडाउन एक सेकंड अंकल, एक ना ना ना, आपने ये बीमारी जो है इंडिया की थी या इंडिया की बाहर की? इंडिया की बाहर की बीमारी थी, तो आपने बीमारी बाहर से लाके एयरपोर्ट को लॉक करना था या शहर को लॉक करना था? आपने देश के करोड़ों लोगों की जान तो बचाई ना मोदी, कैसे जान बचाए? आप तो नमस्ते ट्रंप का मैच खेल रहे थे। जब बीमारी आई आप तो वैक्सीन लगवा चुका हूँ ना, ना जब बीमारी आई तो आप तो नमस्ते ट्रंप का मैच खेल रहे थे। जब एक केस थी उस वक्त आप ट्रंप को लाकर जब नमस्ते का मैच खेल रहे थे आप अहमदाबाद में, तो ये देखना था ना आपने? आप लोग एक बात बताइए, आप सब लोग एक बात बताइए और एक एक करके जवाब दीजिएगा कि आपको बताइए मीडिया से क्या शिकायत है? अरे चुने चुने चैनलों की बात करते हैं जो यहाँ पे आते दिखाते, जहाँ कोई खाली जगह पड़ी होती ना वहाँ दिखाते हैं, जाके देखिए मैदान खाली हो गया जी, किसान चले गए। मैं सीतापुर से हूँ, ईस्ट यूपी पड़ता है, सीतापुर से ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी का नहीं, पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं हूँ, कोई खालिस्तानी नहीं हूँ, यूपी का हूँ मैं, ईस्ट यूपी का। MSP जो है हम लोग सोच रहे थे यूपी वाले कि पंजाब हरियाणा में पहले बिकता था, यानी बिकता था ये बिलों के पहले कि MSP ले लेते, इधर किसान यूनियन सक्रिय थी, इधर का किसान सक्रिय नहीं था, यहाँ पे जो होता था MSP हम लोग सोच रहे थे कि पंजाब हरियाणा के बराबर हमारे भी MSP पे धान और गेहूँ बिकेगा। हम लोगों को क्या 700-800 के ऊपर धान का रेट नहीं मिलता, इस बार भी 50 क्विंटल हमारा धान सिर्फ MSP पे तुला है, 350 रुपये पर क्विंटल कमीशन देके, और दूसरा जो हमने 800-900 मंडी में बेचा, अब ये मंडियां भी खत्म कर रहे हैं
और बिल्कुल प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट तो ऐसे पकड़ के धान ऐसे उठाया, दो बार बोला जी इसमें तो नमी है बेचना बेचो नहीं तो जाओ, ये हालत बना रखी। और ये कानून लागू होने से इससे भी बदतर हालत होगी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हम सोच रहे थे ना कि हम पंजाब हरियाणा के बराबर होंगे, यूपी बिहार वाले, उन्होंने ये कानून लागू करके पंजाब और हरियाणा को यूपी और बिहार के बराबर कर दिया। आने वाले आप, समय आप सुनिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं और ऐसे ही आप सही बात करने रहेंगे तो हो सकता है मीडिया बता दे कि इतने लंबे लोग किसान नहीं होते। भाई भाई साहब प्रूफ दिखाऊं मैं ग्रेजुएट भी हूं, मैंने बिहार की कंडीशन भी देखी है अंकल, ये बात है कि नहीं, बंगाल की कंडीशन देखी है मैंने। भाई साहब बिहार में मंडी समिति नहीं है, हम लोग ट्रांसपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से की गाड़ी घोड़ा साथ में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे मंडी समिति नहीं है। व्यापारी यूपी से गल्ला खरीदता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं यूपी से गल्ला खरीदा, बिल्टी चालान किधर के देता है, बिहार के, क्योंकि मंडी समिति नहीं लगती, टैक्स बचाता है, सब कुछ होता है, क्या मिलजुल के सब कुछ हो रहा है ऊपर तक। और ये काले कानून हो रहे हैं। अब गुलाब बाग पूर्णिया जाइए बिहार में, वहाँ पे आम व्यापारी के इतने इतने बड़े गोदाम बन गए, जब किसान की मक्की रोड पे आते ना वहाँ जाके रोड पे देखिएगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह तो रहे हैं कि MSP था है और रहेगा। भाई कानून बना दो ना, कानून बना दो, उनकी बात पे भरोसा नहीं आप लोग। भाई भरोसा, वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, क्यों आपको भरोसा नहीं, 15 लाख भी दे रहे थे, कैसे भरोसा कर ले भाई। कैमरा आप जूम करिए और इनको दिखाइए, देखिए इनका कपड़ा देखिए, इनकी दाढ़ी देखिए कितनी चकाचक है और चेहरे पे मुस्कान देखिए, क्या ये किसान लगते हैं आपको बताइए। मीडिया कहती है ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग किसान हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, नहीं किसान कपड़े नहीं पहन सकता, किसान भाई इतना साफ कपड़ा किसान नहीं, किसान कपड़ा नहीं पहनता है। तो आपने कपड़े क्यों पहने, थोड़ी कहता हूँ मीडिया ऐसा नहीं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस शख्स ने अपने जीवन साथी का साथ छोड़ दिया, उसको बीच में धोखा दे दिया, तो ये देश का साथ अब क्या धोखा और क्या धोखा देगा इससे बढ़कर भी। जिसने अपने घरवाली को छोड़ दिया बीच में और अब ये पूरे देश को कर रहा है इधर से उधर, तो बताइए इसमें क्या भरोसा किया, इसके लिए छोड़ा ना उन्होंने। अरे घरवाली को क्यों छोड़ दिया, जो जीवन साथी था, अब इसके साथ कैसे करेंगे। हमारी भूल हुई जो हमने समझ कर आम का पेड़ लगाया था, वो निकला बबूल का, अब क्या उस पर आम आएंगे, उस पर बोल रहे हैं कांटे आएंगे सर, उस पर कांटे ही आएंगे। अब जब किसान ने जब बबूल का पेड़ लगाया तो किसान का भी हक है, हम उसको उखाड़ फेंकने का है। सुनिए मेरी बात, देखिए आप बहुत गलत बोल रहे हैं, मोदी जी ने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा। नहीं जी, उनके साथ गद्दारी की थी, कल को वो अपनी माँ सबको छोड़ देगा। 2 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला है क्या मोदी। अरे आप लोग आप अपनी पत्नी को छोड़ दो देश के लिए। ये देखिए कैमरा छोड़ दीजिए, एक एक करके बोलिए आप लोग। अंकल आप आइए, मेरी सुन लो, हम क्या एक रिक्वेस्ट, मेरी ये कहना है वो प्रधानमंत्री जी पे आपने कही है मीडिया बिकाऊ क्यों है या गोदी मीडिया। नहीं मैं नहीं कह रहा मीडिया बिकाऊ, चलो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप, हम इस वजह से कह रहे हैं, हमें तो दिखा रहे हो आप, लेकिन हमारी जो खास सामग्री आ रही है उन्हें क्यों नहीं दिखा रहे आप। भाई इतना धन आपसे इतना वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि जो हमारी खास सामग्री आ रही है, जो भी भाई ला रहे हैं उन्हें भी दिखाओ कि भाई ये चीज आ रही है, ये चीज उतर रही है। मीडिया ने, कुछ चैनल ने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाया है और ये जानकारी इकट्ठा की है कि आप लोग जो पैसा चीन से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। तो गुप्त तो छोड़ो, सुनो गुप्त, यहाँ तो आम चीज है, गुप्त तो छोड़ो, यहाँ तो सब चीज का आ गया, सब क्या आ गया। आप अपनी घरवाली को अपने लिए, इसके लिए मीडिया छोड़ दो, देश के लिए, हाँ देश के लिए, मीडिया के लिए छोड़ दो, छोड़ो घरवाली को छोड़ो ना। कि पाकिस्तान और चीन से आ रहा, सर हमें बताइए 6 साल हो गए मोदी जी को शासन करते हुए, अगर चीन से और पाकिस्तान से आ रहा तो उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां वो क्या कर रही हैं, आप बताइए कि वो क्या कर रही, बॉर्डर से कैसे आ रहा फिर, आप बताइए। अकाउंट उन्होंने सब आधार कार्ड से, बहुत साथी रहे, सुरक्षा एजेंसियों को भी चकमा दे रहे हैं, हम लोग इतने साथी हो गए तो उनको फिर घर पे भेज देना चाहिए ना, किसानों के हवाले देश कर दें। भाई साहब सब कुछ प्राइवेट हो गया तो हमें लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं रहेगी, किसी लीडर की जरूरत नहीं होगी, अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो जाएगा। इन नेताओं की भी जरूरत नहीं है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या किसान नहीं घूम सकता।
क्या किसान है? बात तो देखिए, गोदी मीडिया कहता है अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग किसान नहीं होते, उसी तरह मैं भी आज एक बैठक बात कहता हूँ, इतना लंबा और इतनी अच्छी बात करने वाला आदमी किसान नहीं होता भाई, समझ रहे हैं आप? आज मैं भी एक बात बोल रहा हूँ, आप भी फटे कपड़े पहन के आओ, हम भी पहन लेंगे, आप भी फटे कपड़े पहन, हम भी पहन लेंगे। आप तो ये नहीं देख रहे हो तीन दिन से लगातार कपड़े पहने हुए? अरे मैं मजाक कर रहा था, देखिए इनकी जानकारी बहुत दुरुस्त है। किसान की नहीं, ये बताइए किसान की ड्रेस कैसी होती है? किसान की ड्रेस बताइए आप कैसी होती है? किसान की ड्रेस साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए, गंदी होनी चाहिए, कपड़ा सही नहीं होना चाहिए, फटा हुआ। ये बताइए क्यों क्यों गंदी होनी चाहिए? जब खेत में होंगे तब गंदे होंगे, जब खेत के बाहर आएंगे तब गंदे नहीं होंगे। मोदी जी गाड़ियों में चल सकते हैं, हम लोग गाड़ियों में नहीं चल सकते हैं, ये बताइए। देखिए ये भी एक बात कह रही है सरकार और मीडिया कि जो लोग किसान हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं बिचौलिए लोग हैं। बिचौलिए लोग क्यों? खेतों में काम कर रहे थे, खेतों से काम करके आए कि जब काले कानून बने हमें नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप खेतों में काम करते थे? बिल्कुल। तो अभी यहाँ आए हुए, खेतों में काम कौन कर रहा है आपके? बेटा। अच्छा, बेटा कर रहा, भाई कर रहे हैं। मीडिया तो कह रही है कि आप लोग खेतों में काम ही नहीं करते। मीडिया क्या नहीं कह रही है? मीडिया तो ये भी कह रही है कि किसान उठ के चले गए, यहाँ कोई नहीं है। आज मुझे घर से फोन आया है कि बॉर्डर पे दिखा रहे हैं कि कोई नहीं है टीवी में, अब यहाँ देखो कोई है कि नहीं है। टीवी देखते क्यों हैं आप लोग? टीवी देखते हैं कि तुम्हारी खूबी देखने के लिए, कि मीडिया हमारी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कितने बिकी है। लेकिन आप लोग एक बात तो मानेंगे ना यार कि मोदी जी देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं, आपके खाते में 6,000 रुपए दे रहे हैं और इतना सुंदर बिल लाए हैं आप लोगों के लिए। काम करते हैं तो 18 मिनट के लिए नहीं आए, मोदी जी 18 मिनट के लिए ही आए हैं, तुम कहते 18 घंटे काम करते हो, 18 मिनट के लिए आते हैं। जो आदमी 18 घंटे काम करेगा देश में इतनी महंगाई हो सकती है? सोचो, अभी आप अगर 18 घंटे की जगह मान लो 16 घंटे काम करोगे तो आपको तनख्वाह डबल मिलेगी, ये फिर यहाँ महंगी क्यों हो रही है बताओ? जब देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ना दोस्त, बात सुनो, जब 2007 में गेहूं धान किस रेट बिक रहा था और 2020 और 21 में आज किस रेट बिक रहा है, और डीजल पेट्रोल डबल हो गया, गेहूं और सब चीज नीचे आ गई, देश इतना आगे बढ़ रहा है और आपको महंगाई की पड़ी हुई है, तो फिर किसान को क्यों नहीं हो रहा कुछ बताओ? किसान की फसल दुगनी होनी थी, किसान की फसल आधी रह गई भाई। 2007 में 8 में गेहूं बिक रहा था, कितना बिक रहा था और आज कितना है? 70 सालों बाद इस देश को 18-18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री मिला और आप जब 56 रुपए डीजल बिक रहा था, जब ये नंगे नाच रहे थे, 220 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, 280 रुपए का सिलेंडर, जब ये कचरे में सिलेंडर बिक रहे नंगे नाच रहे थे, आज सिलेंडर 750 रुपए का है, बताओ? इस देश के लिए प्रधानमंत्री ने अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, काम करने के बाद एयरलाइन बेचनी पड़ रही है, ऐसी शर्म की बात है, ऐसी शर्म की बात है। नेपाल के पास अपनी एयरलाइन है, पाकिस्तान के पास अपनी एयरलाइन है, सारे देशों के पास अपनी एयरलाइन है, पर आज बिजली बेचनी पड़ रही है ना, 50% उसके शेयर बेच दिए, हमारी कहाँ रही? कहाँ रही? इसके विकास के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती? नहीं देनी पड़ती, कुर्बानी देनी पड़ती, एक अच्छी औलाद जायदाद संभाल के रखती है, और जो कम लिए होती है ना औलाद, निकम्मी औलाद, वो अपनी जायदाद बेच देती है अपने बाप की, वो अपने बाप की जायदाद बेचती है, और अच्छी औलाद अपने बाप की जायदाद संभाल के रखती है, शर्म आनी चाहिए ऐसी उसको। कांग्रेस ने क्या किया या किसी और शासन ने क्या किया? और जो आज हमारे महाशय प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, वो अगर तो कुछ था नहीं तो बेच क्या रहे हैं? फिर बेचने के लिए तो कुछ था तभी तो बेच रहे हैं, और बयान देते हैं जी पहले 60 साल में हुआ क्या, 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में कमाई हुई चीज है थी, तो छोड़ दो उसे, जो 70 साल में कुछ बना ही नहीं तो क्यों बेच रहे हो उसे? बेच क्यों रहे हो जब कुछ बना ही नहीं 70 साल में, तो बेचने की नौबत क्यों आ रही है बताओ जरा? 2007 से 2014 तक 23 कंपनी लगी थी और इन्होंने 23 की 23 बेच दी है। BSNL अपने देश की बेच दी, सब बेच दिया है इन्होंने, अब निजीकरण बैंकों में कर रहे, अब लोग पैसा कहाँ रखेगा? सब बेच दिया, सब बेच के इसीलिए तो, ताकि आप लोगों के जेब में पैसा डाला सके किसानों की तरह। कौन के तेल रेल और भेल ये सारे बेच दिए, निजीकरण कर दिए इन्होंने। आपको मिला है ना? हाँ, 6,000 हमको मिला था। वो कैसे मिला था? हर किसान 5 क्विंटल मक्का से कम किसी किसान के नहीं होती है, गरीब से गरीब किसान का
मुख्य प्रधानमंत्री जी ने उसका रेट रखा था 1,850 रुपये क्विंटल, आज हमारा मक्का का रेट कितना बिका है 1,800 रुपये क्विंटल, 1,000 रुपये मान लीजिए मक्का का रेट का, तो 5 क्विंटल मक्का कितने की हुई 5,000 की, और 18 के इनके रेट से जब वो बनिया के गोदाम में पहुंच गई तो कितने की हुई 18×5=9,000 रुपये की, हमको कितना दिया इसने 6,000 रुपये, फिर भी ये 3,000 रुपये में फायदे में पहुँचा, ये कहाँ गया हमको पैसा देने वाला, हमसे उल्टा वो ले लिया इसने किसान तो, और उल्टा ले लिया किसान से। ये गणित आपने एकदम डिफरेंट बताया, फिर से बताइए बात दर्शकों को, बताइए कैमरे में देख के बताइए। ये प्रधानमंत्री की जो किसान नीति योजना थी कि हम सब सब 1,850 रुपये क्विंटल मक्का लेंगे, आज किसानों के लिए देहात में मक्का बिकी 1,000 से लेके 1,100 रुपये तक, आप उसको मान लीजिए 1,200 रुपये तक, तो 5 क्विंटल मक्का कितने की हुई 1,200 के हिसाब से 6,000 रुपये, और 1,800 को रेट से जो उन्होंने दिया था वो हमारा मक्का कितने का हुआ 9,000 का, तो हमको कितना दिया इसने 6,000, 3,000 रुपये कहाँ गया हमारा सरकारी इधर से, हम नहीं कह रहे मोदी जी की कब बात है ये, हम नहीं बोल रहे इसके लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार इधर से आपके खाते में 6,000 डाली और 9,000 रुपये वसूल लिए हम, उधर से रेट कम करके आपसे वसूल लिया, हाँ वसूल लिया हमसे 9,000 रुपये वसूल, फिर भी बस 3,000 रुपये का फायदे में गई। सर एक साल में अगर 6,000 रुपये सरकार दे रही हो, 6,000 में आपका भला हो जाएगा सर, आप बताइए 6,000 में आपका भला हो जाएगा? हमें नहीं चाहिए 2,000 रुपये, हमें नहीं चाहिए, हमारी MSP पे लिखित कानून बना दें, हमारा फुल रेट पे फसल खरीद ले, हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमको निकम्मे नहीं बनना। रफाल आया, रफाल समझते हैं आप लोग, फेल होना इनका, रफाल समझते हैं आप लोग, विमान आया एक लड़ाकू, रफेल आया, रफेल के अलावा एक और विमान आया है, रफेल रफेल रफाल नहीं, अंग्रेजी में उसको रफाल भी बोलते हैं, लेकिन आप बताइए आया, उसमें भी दलाली का बड़ा आरोप इन पर लगा और न्यायालय में एक न्यायाधीश महोदय ने जजमेंट भी इनके पक्ष में कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट पर आम आदमी यदि हस्तक्षेप करता है तो उसमें मानहानि का दावा बनता है, लेकिन जनता के द्वारा माननीय मोदी जी पर ये निरंतर आरोप, बुद्धिजीवियों के द्वारा ये निरंतर और निरंतर ये आरोप लगते रहे हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाया हुआ है। और देखिए वो सिद्ध हुआ, इससे संदेह हुआ स्पष्ट कि जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था तो तथाकथित माननीय न्यायाधीश को जिन्होंने जजमेंट रफेल का किया और जिन्होंने राम मंदिर का भी किया है संभवतः, तो उन्होंने मतलब जो है उनको बाकायदा एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को बाकायदा इन्होंने राज्यसभा सदस्य मनोनीत कर दिया। आपको लग रहा बहुत, सुनिए मेरी बात सुनिए आप, आपको लग रहा है बहुत पैसे मिले हैं पाकिस्तान से जो आप इतनी बोल रहे हैं? पाकिस्तान से पैसा, पाकिस्तान स्वयं अपना संघर्ष कर रहा है, एक देश है उसके अपने संसाधनों से चाहिए, वो भारत के आंदोलन संभालेगा, अपने आंदोलन संभाले पाकिस्तान, एक बात। और जब धरती पे बात आती है, जब कितने पैसे मिले पाकिस्तान से किसको, आपको, हमको कहे को मिले पाकिस्तान से पैसा? पाकिस्तान भी हमारा सहोदर है, ये वेबनेस पैदा करवा रहे हैं, हमारा सहोदर है, पूरी धरती है, पूरी धरती समर्थन दे सकती है, जब देने को, जब आंदोलन ये मानेंगे नहीं तो पूरा विश्व हमारे साथ आएगा, पूरा विश्व साथ आएगा हमारे साथ, पूरे विश्व की जनता आएगी, पूरे विश्व के प्रशासक आएंगे। लेकिन कविता में दर्द समझिए, कविता आपका मैं सुन चुका हूँ और ये कविता चल चुकी है चैनल पे, ये दूसरी है। हाँ लुकी अभी करता हूँ मैं, बाकी लोगों से सबको मालूम है जो बोलता वो देशद्रोही है समझो, और उसी को अंदर कर दिया जाएगा। सही। जो बोलेगा सच, ये मोदी ने खुद कराया, और ये 24 में इलेक्शन कराएगा, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा करा के ही कराएगा, तुम देखना सरकार बनाएगा कैसे आप ऐसे। ये पूरा मोदी का एक इतना बड़ा षड्यंत्र है, मतलब ऐसा रचता है जो पब्लिक कोई महंगाई पे किसी चीज बोलेगा नहीं, जहाँ चीज वो होगी ना उस चीज को डाइवर्ट करके दूसरी जगह ले जाएगा, पब्लिक का ध्यान उधर पहुंच जाएगा, तुम देखना देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा हो जाएगा, बड़ा कूटनीतिक षड्यंत्र है, कूटनीतिक राजनीतिक चल रहा है, राज्य के साथ राष्ट्र के साथ एक सरल नीति से शासन नहीं चल रहा जैसा पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में चला, समझिए। और एक बार इनकी भी सरकार रही है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, और फिर भी एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मतलब झिझक करके सरकार इन्होंने जनता के हित में चलाने का दबाव, उसकी एक वजह भी थी, उसकी वजह थी, इसके पीछे में संघ है और इसके पीछे में बीजेपी है, ये अपनी राजनीति में अलग ही कटुतापूर्ण राजनीति है इनकी, और देश को तोड़ने वाली राजनीति है, और अपनी राजनीति सेकनी है इन्हें, चाहे राष्ट्र कहीं जाओ चाहे कृषि भूमि कहीं जाओ, लेकिन उसकी एक मजबूरी थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वरना वहां भी यही होता। अटल जी ने भी तो निजीकरण किया था, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, आज इन्हें जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार मिल गई। अटल जी ने भी तो प्राइवेटाइजेशन किया था, हाँ निजीकरण वहाँ भी किए, लेकिन वहाँ डरते डरते किए, कुछ मामले किए, कम से कम जमीन के किसान को विषभूषे त्रिशूल तो नहीं घोपे,
इनकी उस सरकार ने, हमने उस सरकार में तो हमने इतना ऐसा आंदोलन नहीं उठाया ऐतिहासिक, ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है महाराज, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है। माननीय मोदी बहुत भूल में है, ये आंदोलन किसी उससे ना, ना पाकिस्तान से, ना चीन से, ना भारत से, ये अंतरात्मा की आवाज से, धरती से उठा है, भारत माता की आवाज से। हकीकत में ये शहीदों की जो आत्मा है, जो अंतरिक्ष में बैठी हुई है, वो मिट नहीं सकती। एक आम बच्चे की, एक आम आदमी की, एक बच्चा काल कवलित हो जाओ, उसकी आत्मा का भी अस्तित्व होता है, उसका सत्य होता है, वो सत्य उदय होकर रहता है पृथ्वी पे। ये निश्चित रूप से मतलब जो है, जब बहुत ही कूटनीतिक रूप से अजय तरीके से हमको पूरे भारत को घेरे हुए एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी RSS एक संगठन इस तरीके से घेरे हुए है, एक निरीह किसान को, निरीह भारत को इस तरीके से घेर रहा है। दूसरी पार्टियों पे पाकिस्तान के बिल्ला लगा देता है, किसी पे खालिस्तान के, पूरे स्टेट में खालिस्तान का बिल्ला लगा देता है। ये एक पूरे स्टेट की जनता जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हिंदू धर्म की आर्यव्रत की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने मुगल जैसे अत्याचारियों को भगाया गुरु तेग बहादुर की तलवार ने, जब महाराणा भी नहीं रहे थे, दूसरे वीर नहीं रहे थे, तब इसी पंजाब से वीर आए थे भारत की अस्मिता बचाने के लिए। ये सत्य नहीं मिट सकता, हमारे भाई हैं, हमारा खून है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, ये तो बिल्कुल हिंदू धर्म है, क्योंकि मोदी जी तथाकथित हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम बात करने को तो नमन करते हैं, लेकिन बात के अनुसार अनुसरण भी होना चाहिए। हृदय में दया नहीं आई, माननीय मोदी जी को हृदय में दया नहीं आई, हमारे गाय के बछड़े, आज हमारे गाय के बछड़े किस तरीके से मतलब जो बैठे हुए हैं घरों में, खेतों में बंधे हुए हैं। योगी, योगी जी से पूछिए, योगी जी जानते हैं इस बात की कदर, योगी जानते हैं मैं बीजेपी की बड़ाई नहीं कर रहा, योगी जी की प्रशंसा भी नहीं कर रहा, उस सत्यपक्ष को दे रहा हूं जो मैंने मीडिया में देखा, वो जब वहां जाते हैं तो अपने बछड़ों को, बछड़े कूद कूद कर उनके पास आते हैं, फिर उन्हें वो खाना खिलाते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। योगी जी, मोदी जी को मालूम नहीं है बात, योगी जी नहीं कह सकते मोदी जी से, मोदी जी सलाह नहीं दे सकते, जो गाय, जो हमारा गौधन बंधा हुआ है, गाय है, बछड़े हैं, बैल हैं और पशु हैं हमारे अबोल बेबोलने वाले, वो भूखे प्यासे हैं वहाँ, कहाँ पे, खेतों में, जब यहाँ किसान यहाँ पड़ा हुआ है, किसान आंदोलन में पड़ा हुआ है, जिला पंचायतों में पड़ा हुआ है, किसान जिलों पे धरना दिए पड़ा हुआ है, सड़कों पे पड़ा हुआ है किसान। मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए, आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इसको जो लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाह रहे हैं वो लोग इस देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान कर रहे हैं, इस देश की छवि धूमन होता है। इसमें मोदी जी के कहने से कोई एक राष्ट्रवाद वहीं तक है जहां सत्य सैद्धांतिक विषय पे हो, जब सत्य सैद्धांतिक विषय पे मानवता का विषय आता है तो वो मानवतावाद हर देश का राष्ट्रवाद है, हर देश का राष्ट्रवाद है मानवतावाद, क्या ये मानवतावादी नहीं है? अभी दूसरे देश में अन्याय होने लगे तो ये इनको आवाज नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। अभी दमन होने लगे किसी प्रजा का, कोई अत्याई दमन, अत्याई शासक किसी भी देश में यदि वो दमन करने लगे, गैर सैद्धांतिक रूप से उसका दमन करने लगे अपनी प्रजा का, तो क्या भारत आवाज नहीं उठाएगा? भारत के मोदी तो आवाज उठाएंगे, मैं यहाँ की प्रजा का कोई नायक, कोई लेखक, कवि आवाज नहीं उठाएगा? ये जाते नहीं है, मीटिंग नहीं करते उन विषयों पे, अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ नहीं बना हुआ है, विश्व मानवतावाद मिट जाएगा, धरती का हर, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी देश का, किसी भी सीमा का, किसी भी खेत का, किसी भी क्षेत्र का, मानव 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 है, और यही इसी को मानवतावाद कहते हैं कि हम उसके दुख दर्द को पहचाने, कहीं उसके साथ अधर्म तो नहीं हो रहा है। अधर्म धर्म यूनिवर्स है, धर्म विवेक है, धर्म दया है, जो मोदी जी में नहीं है। धर्म क्या है? हमारे धर्म शास्त्र है, उनमें नीति आचार संहिता पढ़ाई गई है, उनका सबका मूल सार है, सबका मूल सार है सभी धर्मों का, कि विवेक, समझ शक्ति, जिसे मोटे रूप में किसान भी कह देता है, यार इस बालक में समझ अच्छी है, यार समझ से काम लो, लड़ो मत, विवेक से काम लो, विवेक, एक विवेक जागृत होता है, विवेक से ही दया आती है। किसी का भी बालक, किसी भी धर्म का बालक पढ़ा हुआ हो, अचानक गाड़ी आ जाए, हम अपनी जान पे खेल जाते हैं, उसको धक्का मार के हटाएंगे, चाहे हम उसके अंदर हमारे चाहे हाथ पांव टूट जाए, चाहे हम एक्सीडेंट हो जाए। अभी कोई अत्याई बलात्कार कर रहा हो तो आप सवाल सुनिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी निर्दयी हैं? हाँ, मोदी जी दया भाई, हम ये नहीं कह रहे, जब हृदय है तो दया होगी, ये और विडंबना का विषय है, हृदय है जब दया है, दूसरे विषयों पे रो रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए रो रहे हैं, तो किसान के लिए क्यों नहीं रोए? काश मोदी जी, सुन लीजिए मोदी जी, मेरे इस मीडिया से सुन रहे हो, मैं काश मोदी जी अगर किसान के लिए रो जाते उस दिन,
किसान के लिए, उल्टे किसान को परजीवी कह रहे हैं, किसान के आंदोलनकारियों को परजीवी कह रहे हैं, किसान को समर्थन देने के लिए कोई आंदोलनकारियां पर पता नहीं किस किस के लिए परजीवी कह रहे हैं, कोड में बोले हैं, कोड भाषा में बोले माननीय मोदी जी से। मैं ये भी चाहूंगा इसका स्पष्टीकरण करें कि परजीवी किसके लिए कहा है, क्या चाइना पे जो अवलंबित है उसे परजीवी कहा है, क्या किसान के लिए कहा है या किसी आंदोलनकारी के लिए कहा, किसी कवि लेखकों के लिए कहा, किसी कम्युनिस्ट के लिए कहा या राहुल के लिए कहा है, राहुल गांधी जी के लिए, या किसके लिए कहा है, वो स्पष्ट भी तो करें। कोड में जो व्यक्ति कोड में बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ किसको कहा है, वो सारे लोग जिस जो आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं या लोगों को उकसा रहे हैं, तो किसान भी है, वो सारे लोग परजीवी भी हैं, वो तो लेखक भी हैं, सभी राजनीतिक सामाजिक पार्टियों के मेंबर्स भी हैं। ये बताओ इस देश में हो क्या रहा है, उकसा रहे हैं, उकसा तो आप रहे, झूठ बोल रहे हैं पत्रकार हमारे, इस देश में हो क्या रहा है, ये हम ये पूछना चाहते हैं आपको। चुनाव हो रहा है बंगाल और केरल में, जो संपत्ति बेच रहा है ये काय को बेच रहा है, ये क्या उनकी बाप की संपत्ति है, ये देश की संपत्ति है। आज हमारा रेल बिक चुकी है, हवाई जहाज बेच चुके हैं, सड़क बिक चुकी है, किसान खेती बेचने के लिए तैयार है, कानून ला चुका है, और आप लोग कह रहे हैं क्या कर रहा मोदी, ठीक कर रहा। देखिए मोदी जी खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं तुम आतंकवादी है, वो तो कह रहे हैं तुम वो देशद्रोही है, वो तो कह रहे हैं तुम देश गद्दार है, वो तो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गए गए, वो तो कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, वो तो ऐसा कह रहे हैं, उनके मुंह से बोला हमने, तो आप नहीं हो खालिस्तानी, खालिस्तानी है हम, प्रमाण बताओ हमारा खालिस्तानी, खालिस्तानी ये लोग हैं जो मतलब यहां का मतलब उल्टा सीधा, अच्छा हम खालिस्तानी जो हिंदुस्तान है, हम खालिस्तानी, और जो ये आए लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं वो लोग, वो किसानों को आंदोलन का समर्थन है, जवानों को आंदोलन का समर्थन है, बेरोजगारों के लिए आंदोलन का समर्थन है, गरीबों के लिए आंदोलन का समर्थन है, क्योंकि आज देश के अंदर सबका शोषण हो रहा है, ये साफ बात है। शोषण कहाँ हो रहा है, आपको 6000 मिल रहे हैं ना, तेल कितने महंगा हो गया, एक साल में आपको 6000 मिल रहे हैं, कौन 6000 को सिलेंडर कितने कर दिया, जो 400 का सिलेंडर था उसका कितना पैसा ले रहा है, 800 ले रहा है ना, 400 कौन खा रहा, पानी का पैसा हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हम 50 रुपया मेहनत देते थे, आज जो है 165 रुपया मेहनत दिया, उसको कौन खा रहा, बिजली का पैसा जो है हम 101.61 रुपया यूनिट हमको बिजली मिलती थी गांव में, आज 5 रुपया 15 पैसे मिल रहे हैं, उसको कौन खा रहा है, क्या कर रहा है, एक तरफ किडनी निकाल रहे हैं किसान की, क्या कर रहा, किडनी गुर्दे किडनी सब चीज निकाल, इधर इधर सुनो, इधर जो है बोला कोरोना 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 कोरोना, और जिसको कोरोना के लिए ले गया उसकी किडनी भी निकाल दी, आंखें भी निकाल दिए, गुर्दे भी निकाल दिए, और उसको किसी को बताया भी नहीं, ले गया अंधेरे में जला दिया, उसके परिवार वालों को भी नहीं बताया, बताओ साहब ये क्या बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, आपके बताओ बढ़िया हुआ ये, अच्छा नोटबंदी हुई, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के नाम के नाम पे आपके खाते में 6000 डाले, मुझे मुझे बता दे, हाँ दर्शकों को बता लेने दीजिए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आपके खाते में 6000 रुपए डाले, लेकिन उसकी वजह आपके जो कृषि के यंत्र हैं, जो खाद हैं, जो बीज हैं, जो बाकी चीजें हैं, बिजली है, पानी है, इन सब चीजों के रेट बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो ये 600-6000 न देता रेट न बढ़ाता, काश्तकारों को रेट न बढ़ाता, गरीबों के लिए रेट न बढ़ाता, महंगाई न करता। आज देखिए तुम तेल क्या भाव ले गए, डीजल क्या भाव चल रहा है, पेट्रोल क्या भाव चल रहा है, किसके ऊपर पड़ रहा है, जो महंगाई आई वो किसके ऊपर पड़ रहे, जो GST लगा इसने किसके ऊपर पड़ रहे, आम आदमी के ऊपर पड़ रहे ना, क्या व्यापारी दे रहा GST, क्या मोदी दे रहा GST, आम आदमी दे रहा। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 70 साल की। 70 साल? हाँ, मैंने आजाद देश को आजाद होते हुए देखा है। अच्छा अच्छा, जब देश आजाद हो रहा था उस समय हमारे पास पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं था। एक और बात जो आप लोगों के बारे में कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है ना, इसके पीछे जो पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान और चीन, हमारे किसान स्वयं ला रहे हैं, घर घर से ला रहे हैं उठा के, कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई मसाला ला रहा है, कोई सब चीज जो है हमारे किसान ला रहे हैं। कौन वो मोदी जी बता दे रहे फलाने नहीं दिया तुमको पैसा, वो कौन सी देश से लाए वो पैसा, कौन सी देश से आए वो पैसा। चलिए चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ये एक लास्ट बात, चीन और पाकिस्तान से मिले हुए हैं, और चीन और पाकिस्तान का तो पक्का दोस्त है मोदी,
बिल्कुल, ये बहुत ही झूठी बात है और बहुत ही बकवास बात है कि यहाँ के किसानों को पाकिस्तान और चाइना से फंड मिल रहा है, जो जो गोदी मीडिया के बहकावे में जा रहा है, और जिसको लगता है ऐसा सच में हुआ होगा वो यहाँ पर आए और देखे कि यहाँ पे किस तरह से हर काम चल रहा है, किस तरह छोटी छोटी इकाइयों में किसान बटकर इतने बड़े आंदोलन को एक पूरा रूप तैयार किए हैं। आप यहाँ के देखिए, एक छोटे छोटे यूनिट में, छोटे छोटे टेंटों में अलग अलग गाँव से आए हुए लोग किस तरह इकट्ठा होकर इतने बड़े आंदोलन को चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अभिष्ट है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।